फरुखाबाद से बड़ी खबर, जिले से गंगा एक्सप्रेसवे ना निकलने को लेकर निकाली गई जन आक्रोश रैली। शहर में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने निकाली रैली। आक्रोश रैली को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। फरुखाबाद जनपद से निकाला जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। शहर व ग्रामीण इलाकों से जन आक्रोश रैली के समर्थन में पहुंचे युवा, किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी पहुंचे रैली में। जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई रैली गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा को आधार बनाकर पिछली सरकार ने तय किया था ताकि गंगा के किनारे किनारे एक विकास के लिए पथ बन जाए। उस पथ को लोगों ने अपने प्रभाव से खींचकर सहजापुर और हरदोई अग्रसारित करा लिया और हम लोगों ने 5-5 जनप्रतिनिधि इस सरकार को जिता कर दिए। अगर वो हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो अपने हक की आवाज़, अपने हक की लड़ाई लड़ना जनता का अधिकार बनता है और वो लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। सरकार कोई झोल नहीं कर रही है, सरकार तो एक्सप्रेस वे बनाई रही है। जो हमारे 5 जनप्रतिनिधि हैं, 4 विधायक और 1 सांसद, ये जनता के साथ झोल कर रहे हैं क्योंकि ये फरुखाबाद से उस एक्सप्रेस वे को निकलने की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज आप हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ रहे हैं तो अगर मांग नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? ये लड़ाई जारी रहेगी, परिणाम कुछ भी हो लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो ये लड़ाई, वो तो जो भी आगे आने वाला समय है, जनता के साथ जैसा सलूक करेंगे वैसे ही सलूक जनता करेगी। अगर वो एक्सप्रेस वे बनवाने में सहयोग करते हैं तो जनता उनका साथ देगी, और अगर वो जनता को मूर्ख समझते हैं तो आने वाले समय में जनता उनको उनकी औकात बता देगी। आपकी रैली जो ठीक है, क्या बीजेपी को चुनाव हरवाएंगे क्या आप लोग? हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फरुखाबाद के विकास से मतलब है। और हम आम जनता है, हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे और उनको हमारे विकास का, उनसे सवाल पूछने का हमें अधिकार है, सड़कों पर उतर कर भी हमको अधिकार है पूछने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।